नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाभारत के उस कैरेक्टर के बारे में, जिसे हर चीज़ का जिम्मेदार ठहरा दिया गया। जितनी भी गलतियाँ हुई उसका दोष उस पर मढ़ दिया गया, लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह ऐसा बना क्यों। उसके अंदर अंदर पांडवों के लिए इतनी घृणा क्यों आई, क्यों जलन थी उसके मन में इतनी पांडव पुत्रों से। तो आइए इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे हम दुर्योधन के बारे में। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, कहा जाता है कि दुर्योधन भी बचपन में एक सरल स्वभाव का ही बालक था, लेकिन जो उसके ऊपर जुल्म हुए उसके बारे में लोगों ने बात करना उचित नहीं समझा। कहा जाता है कि धृतराष्ट्र के मन में राज्य को लेकर हमेशा से लालच था, क्योंकि वह ज्येष्ठ पुत्र थे। वह चाहते थे राजा बनना, लेकिन नेत्रहीन होने के कारण वह राजा नहीं बन सके, और यह बात उनके मन में खटकती थी। पति अंधा होने के कारण गांधारी ने सोचा कि पति नहीं तो उनका पुत्र ही राजा बने। इसलिए गर्भावस्था में ही उन्होंने अपने गर्भ पर बहुत से चोट किए ताकि उनका पुत्र कुंती से पहले हो, जिससे वह राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। व्यवहार के कारण गर्भ में ही उस शिशु को बहुत सारी चोटें झेलनी पड़ी थी। कहा जाता है कि शुरू में उसका नाम सुयोधन था। सुयोधन यानी कई कष्टों को झेलने के बाद उत्पन्न हुआ बालक। लेकिन उसके बाद भी उसके मन में ऐसा द्वेष भावना थी नहीं। लेकिन जब उस बालक के मन में इस चीज को रखा गया कि वह इस राज्य का उत्तराधिकारी है, वही युवराज है, आगे चलकर वह राज्य उसका ही होने वाला है, और तभी वन से लौट कर कुंती पांडव पुत्रों को इन लोगों से मिलाती है, और पता चलता है कि युधिष्ठिर इनसे ज्येष्ठ है और उनको ही उत्तराधिकारी माना जाएगा इस राज्य का। यह बात उस छोटे से बालक के मन में घर कर गई। जिस चीज को वह अपना समझता था अब शायद वह उसका नहीं था, अब उसका कोई और वारिस आ गया था। बालक है, हमारे मन में भी छोटे पर कोई अगर हमारी वस्तु को कोई और लेता है तो मन में द्वेष तो आ ही जाता है। लेकिन दुर्योधन को किसी ने सही राह नहीं दिखाई, ना ही उनके माता ने ना ही उनके पिता ने, क्योंकि वह खुद भी उस राज्य के लालच में मोह में अंधे थे, और दूसरे थे शकुनी जिनको अपना बदला लेना था, जिसके लिए उन्होंने दुर्योधन को द्वेष से भर दिया। और वही दुर्योधन बाल्यावस्था में ही उन पांडवों से इतना जलने लगे कि वह तरकीबें निकालने लगे कि किस तरह पांडवों को इस राह से हटाया जाए और वह उस राज्य का उत्तराधिकारी बने। एक बार दुर्योधन ने बचपन में ही भीम, जो कि जिसे वह अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानता था, क्योंकि दोनों ही गदा युद्ध में निपुण थे, उसने उसे जहर दे दिया और गंगा जी में फेंक दिया। लेकिन संयोगवश उसमें नदी में मौजूद सर्पों ने भीम को डस लिया, जिससे दोनों जहरों का काट मिल गया और भीम जीवित लौट आए। यह द्वेष भावना चलती रही। दुर्योधन कुछ न कुछ कोशिशें करता रहा। इसमें से एक कोशिश लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मारने वाली भी थी। कहा जाता है कि पांडवों को लाख का महल बनाकर पांडवों को रहने के लिए दिया गया था दुर्योधन के ही कहने पर, और उसमें योजना थी कि आग लगाकर उन्हें जलाकर मार दिया जाएगा। लेकिन विदुर के द्वारा पांडवों को यह पहले से ही ज्ञात था, इसलिए वह वहां से भी बच निकले। वह वहां से बच तो निकले, लेकिन राज्य में यह खबर आई कि पांडव मारे गए। जब दुर्योधन ने यह खबर सुनी तब वह खुद को उत्तराधिकारी घोषित कर राजकुमार बन बैठा। कुछ वर्ष पश्चात जब पांडव लौट आए तब उन्होंने यह शर्त रखी कि हम जिंदा हैं और इस राज्य पर हमारा अधिकार होना चाहिए। वाद विवाद होने के बाद दुर्योधन इंद्रप्रस्थ को देने के लिए तैयार हो गया, और राज्यों का बंटवारा हुआ, जिसमें से इंद्रप्रस्थ बनी युधिष्ठिर के नगरी। लेकिन दोस्तों, शायद यहाँ भी महाभारत का युद्ध टल सकता था। हो सकता था कि युधिष्ठिर अपना राज्य देखते और दुर्योधन अपना। लेकिन कहा जाता है कि कभी कभी बुरे की बुराई समाज को उतना असर नहीं डालती जितने अच्छे लोगों की गलतियां समाज को खतरे में डाल देती है। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राज्याभिषेक हुआ तब उस महल की सजावट हुई, और वहाँ दुर्योधन को भी आमंत्रित किया गया था, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उसमें इस तरह की सजावट की गई थी कि जल फर्श की तरह साफ और प्रकाश से पूर्ण था, जिससे दुर्योधन को भ्रम हो गया और वह पानी को फर्श समझकर उस पर चलने की कोशिश करे और उस स्विमिंग पूल कह सकते हैं उसमें गिर जाते हैं, जिस पर द्रौपदी ने ठहरकर
ठहाके लगाकर हंसा और कहा कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। पूरे महाभारत युद्ध का कारण ही द्रौपदी थी, क्योंकि जो देश, जो जलन बचपन से था, वह शायद इस क्षण मिट सकता था। जब राज्यों का बंटवारा हो गया, दोनों अलग-अलग राज्यों पर राज कर सकते थे, लेकिन द्रौपदी की कही बातें दुर्योधन के मन में तीर की तरह लग गई। वह दुर्योधन जो उनसे इतना द्वेष करता था, फिर से उसके द्वेष को एक नया जन्म मिल गया। वह प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा और उसने यह निर्णय लिया कि वह द्रौपदी को सबक सिखा कर रहेगा। इसी के बाद उसने योजना बनाई शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को जुए में हराने का। हुआ भी वही, पांडव जुए में हार गए। द्रौपदी के साथ उसने अपना बदला लेने की ठानी, लेकिन शायद दुर्योधन में और युधिष्ठिर में एक ही फर्क था, वह था नैतिकता का। दुर्योधन हर मामले में उनसे निपुण था। कहा जाता है कि दुर्योधन कलयुग का ही अंश था, क्योंकि उसने उस युग में वो सारे काम किए हैं जो आज तक कलयुग में लोग करते हैं। उससे बड़ा राजनीतिज्ञ, उससे बड़ा कूटनीतिज्ञ कोई नहीं था। लेकिन कहीं न कहीं हमेशा धर्म की विजय होती है, और युधिष्ठिर धर्म की राह पर चलने वाले थे। शायद वह बदले की आग में इतना अंधा हो गया कि वह यह भी नहीं समझ पाया कि वह द्रौपदी के साथ क्या कर रहा था। इसी वजह से और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से उसका विनाश शुरू हुआ। वह बचपन से द्वेष और प्रतिशोध की अग्नि में इस प्रकार बदल चुका था कि उसके दिमाग में कभी भी एक समृद्ध राज्य की कल्पना थी ही नहीं। वह बस राजा बनना चाहता था। राजा क्योंकि उसे लगता था कि यह उसका अधिकार है। वह प्रजा की सेवा नहीं, प्रजा पर राज करना चाहता था। और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से दुर्योधन का राजा बनना उचित नहीं था, और इसीलिए केशव ने यह सारा खेल करा और अंततः दुर्योधन का वध हुआ और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। दुर्योधन तो बुरा था, इसलिए वह मारा गया, लेकिन दुर्योधन को बुरा बनाने में जिनका हाथ था उनका क्या, या फिर द्रौपदी की उस हंसी का क्या जिससे इस युद्ध का जन्म दिया? क्या आपकी राय है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।